Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. So next performance हमने discuss करनी है, जो test हमने discuss करना है वो weight variation test होता है, और हम लोग इसमें ये देखते हैं कि कितनी variation है, ठीक है। तो जब पहले आपने क्या करना है, weighing balance लेना है और petri dish ले लेनी है, और sample to be tested आपकी requirement है, जो भी tablet आपको available होगी lab में आपने उसको ले लेना है। अब इसकी स्पेसिफिकेशंस डिफरेंट होती हैं, बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया कुछ और बोलता है, एंड व्हेन इट्स कम टू द यूएसपी तो वो कुछ और उसकी रिक्वायरमेंट होती है। बीपी कहता है कि 80 mg या इससे कम की टैबलेट, अगर वेट जो है किसी भी टैबलेट का इससे कम है तो उसमें 10% डेविएशन अलाउड होती है। अगर 80 से ज़्यादा है, ठीक है, 80 तो इसमें आ गया ना, 80 से ज़्यादा है या फिर 250 इन टर्म्स के दरमियान है, इन फिगर्स के दरमियान है, तो हमारे पास डेविएशन अलाउ होगी प्लस माइनस 7.5%। प्लस माइनस का मतलब ये है कि प्लस ये हो गया कि मोर देन दैट ना, मतलब ऐड कर लो 2 में, अगर हमारे पास वेट फॉर एग्जांपल वेरिएशन जो है वो 2 आ रही है, तो उसमें प्लस कर दोगे आप 7.5 तो 9.5 आ गया, 9.5 तक अलाउ है, 10 अलाउ नहीं होगा फिर, इसलिए माइनस में भी आप जाके देख सकते हो। अगर मोर देन जो है वो 250 mg है, तो उसमें जो डेविएशन आ रही होती है वो हमारे पास कितनी आ रही होती है, 5 आ रही होती है। अब जो यूएसपी कहता है वो कहता है कि 130 या इससे लेस की टैबलेट है तो उसमें 10, मतलब 10 7.5 और 5 इज सेम, बट जो हमारे पास वेट ऑफ द टैबलेट है वो इसमें डिफरेंट है, ठीक है, वो 130 mg या इससे कम है, और यहाँ पर जो है वो इससे ज़्यादा आ रहा है। नेक्स्ट में हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कि हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो आपने 20 टैबलेट जो होती हैं वो लेनी है, और आपने रैंडम ले लेनी है, एक एक टैबलेट को अलग अलग वेट करना है, और उसके बाद आपने एवरेज वेट को कैलकुलेट कर लेना है। याद है, क्लियर है कि 20 टैबलेट एक एक करके फाइंड किया उनका वेट, और फिर उसके बाद आपने उसके क्या ले लेनी, ठीक है, एवरेज ले लेनी थी। अब आपने परसेंटेज डेविएशन देखनी है, तो उसके लिए फार्मूला यहाँ पर गिवन है, विच इज़ परसेंटेज डेविएशन इज इक्वल टू द इंडिविजुअल वेट माइनस एवरेज वेट इन 200 डिवाइडेड बाई एवरेज वेट। एवरेज वेट दो दफ़ा आ रहा है, तो उसको आपने दो दफ़ा जब आप लिख रहे होगे तो उस चीज़ को याद रखना है कि यू आर गोइंग टू मैंशन दिस 2 times, तो एक ऊपर है और एक नीचे है, तो इंडिविजुअल वेट में से एवरेज वेट को माइनस करोगे, उसको मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे, क्योंकि आप परसेंटेज डेविएशन फाइंड कर रहे हो, और उसके बाद आपके पास एवरेज वेट आ जाता है। अब रिजल्ट कैसे करना है कि नॉट मोर देन 2 इंडिविजुअल वेट। अब इस तरीके से आपने डेविएशन हर किसी की फाइंड कर ली, हर टैबलेट की, 20 टैबलेट्स थी, आपने 20 की 20 टैबलेट्स की जो है परसेंटेज डेविएशन को फाइंड कर लिया। अब आपने रिजल्ट निकालना है, रिजल्ट जो है वो आप कैसे निकालोगे कि कोई भी 2 टैबलेट से ज़्यादा इंडिविजुअल वेट जो है किसी भी टैबलेट का वो एवरेज वेट ऑफ मोर देन द गिवन परसेंटेज ऑफ जो डेविएशन है उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। 2 का क्राइटेरिया ये हो गया, मोर नन ऑफ द टैबलेट इंडिविजुअल वेट डेविएशन बाय मोर देन ट्वाइस ऑफ द गिवन परसेंटेज डेविएशन। तो कोई टैबलेट जो है वो डबल तो हो ही नहीं सकता, दिस इज समथिंग वेरी सिंपल, तो वो फिर हमारे पास उस तरह से कोई टैबलेट नहीं होनी चाहिए कि उसका जो वेट है वो परसेंटेज डेविएशन से डबल हो जाए, वेट की डेविएशन परसेंटेज डेविएशन से डबल हो जाए। तो डबल का मतलब तो ये है ना कि बहुत बड़ा मसला है कोई। अब इसको आप जो है वो फाइंड कैसे कर रहे हो, तो आपने एक एक टैबलेट पकड़ी और उस एक एक टैबलेट का आपने जो है वो वेट इस तरीके से निकाल लिया, देन यू हैव द एवरेज वेट। एवरेज कैसे फाइंड करते हो, इन सबको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इधर जो है वो 20 है, तो 20 से आपने डिवाइड कर देना, यू गॉट द एवरेज वेट। जब आपके पास एवरेज वेट आ गया तो हमने एक फार्मूला डिस्कस किया, उस फार्मूले को पुट करके इन सब की वैल्यूज़ निकाल लेनी है, और डेविएशन आपको एट द एंड पता चल जाएगी, और आपने रिजल्ट बता देना है।